पूरा गांव बना रखा है इन लोगों ने। हाँ, ये जादू दिखा रहा है, जादू। ये प्रिंट हो रहा है, हैंड प्रिंट है, ब्लॉक प्रिंट बोलते हैं इसको। चिकनी मिट्टी का कुछ बना रहा है। बहुत ही बढ़िया यार, हमें तो मजा आ गया। मुझे तो नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड इवनिंग। आज हमारे मामा जी का बर्थडे है, तो मामा जी को सब विश करना कमेंट में। हमने तो कर दिया मामा जी को विश। मामा जी पार्टी दे रहे हैं चौकी ढाणी, फेमस प्लेस है जयपुर में, और बाहर के लोग बहुत सारे आते हैं, आपको दिखाऊंगा। काफी अच्छी जगह है, और व्लॉग से बने रहे, अच्छा वीडियो है, एंजॉय करिए, बने रहिए हमारे साथ। अब मामा जी आप जानते ही हो, बड़े मनोरंजक मतलब एंटरटेन करते हैं अच्छी तरह, तो आपसे चौकी ढाणी जाके मिलते हैं। भैया का वेट कर रहे हैं, सोनू भैया का। जिया जी भी आए हुए हैं, जिया जी ने सरप्राइज दिया मामा जी को आके बर्थडे पे, और दीदी भी तो आई नहीं, जिया जी और वही आए, पार्टी करेंगे चौकी ढाणी में। क्या बोल रहे हो बता दो, लो बताओ। ये चौकी ढाणी आ चुके हैं, देखो आप चौकी ढाणी, भैया कुछ बोल रहे हैं, बोलो। मैं तो पार्किंग के लिए बता रहा था, मैं पूछ के आया था उनसे, गार्ड साहब से, कितनी गाड़ियों की पार्किंग है। हाँ। तो इन्होंने दो पार्किंग बना रखी है, और मैंने इतनी बड़ी पार्किंग कहीं नहीं देखी। 850 गाड़ियों की पार्किंग है, और 850 की दो पार्किंग है, मतलब अच्छा, अच्छा। करीब करीब 1800 गाड़ियों की पार्किंग। हाँ। और वो फुल होने के बाद भी पूरा रोड जो सर्विस लेन है ना, इस पे भी गाड़ियां लग जाती है, काफी फेमस चलता है। और अब बहुत गाड़ियां आपको दिखाऊंगा जाते वक्त पार्किंग, और काफी अच्छी है। राजस्थानी वाली फील आती है इधर, पूरी साउंड भी सुन सकते हो आप। शानदार जगह है, और लाइटिंग भी काफी अच्छी है यहाँ पे, और काफी भीड़ है यार। बात करते हैं, खाने वाने की जगह लेते हैं, आपको इसका रिसोर्ट भी दिखाता हूँ, चौकी ढाणी का रिसोर्ट भी है, और लेके चलता हूँ रिसोर्ट में। और रुकने तो आए नहीं है, मैं तो जयपुर का ही हूँ, जयपुर में ही, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है, तो ज्यादा दूर भी नहीं है, मैं तो पहले भी आया हूँ, बट आपको दिखा देता हूँ रिसोर्ट। यहाँ पे रिसोर्ट भी है, काफी फेमस जगह है चौकी ढाणी, चौकी ढाणी रिसोर्ट। अंदर का कुछ ऐसा है, ओके ओके ओके, और बहुत ही प्यारा नजारा है, देख के चलना चाहिए। अंधेरे में बहुत ही सुंदर है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट मुझे समझ में आ रहा है। सामने गणेश जी है, और गणेश जी को जय हो, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। केवल आपके लिए आया हम, ऐसा कोई मोटिव नहीं था मेरा, तो मैंने जिया जी को बोला, तो उन्होंने बोला मैनेजर को, तो मैनेजर ने करवाया, तो रिसोर्ट रुकने की व्यवस्था है पूरी। भैया कैसा लगा? काफी अच्छा है, खुशबू भी अच्छी आ रही है काफी। आओ बताओ, आप अगवाई करें, ब्लॉग की अगवाई करें आप। चेहर पुरानी चेहर है, काफी अच्छी। और ये लॉबी है, और ये कुछ डिजाइन है ऐसी, सामने झूला भी है। और किशन भगवान, राधा माँ भी है, जय हो। सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है। जीजा जी मैनेजर के साथ बैठे हैं, सोनू भैया मामा बैठे हैं, और ऐसा कुछ दिख रहा है। सिटिंग एरिया काफी बड़ा है, और धीरे इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता, अभी व्लॉगिंग में एक्सपर्ट नहीं हुआ मैं। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफी अच्छा बना रखा है यार, रिसेप्शन का ही वॉशरूम है, सोचो रिसोर्ट के रूम के अंदर, और ये मैं हूँ, और रूम के अंदर कितने अच्छे वॉशरूम होंगे। क्या प्यारी जगह भैया, बहुत ही प्यारी। यहाँ पहली बार आया हूँ मैं यार, ये अभी खुला है शायद, पहले भी था पता नहीं, मैं आया नहीं। 1999 से है भैया, ये तो तगड़ी सिटिंग है, और यहाँ पे अभी गाना बज नहीं रहा है, तो गाने के लिए बहुत ही प्यारी जगह है। और यहाँ पे नॉन वेज वेज दोनों मिलता है, जिसको नॉन वेज खाना है नॉन वेज भी खा सकता है, वेज खाना है जिसको वेज भी खा सकता है। ये इतना बड़ा क्या है जो बोल रहा, आधा घंटा लगेगा? अरे मामा जी लाइटिंग का ही है, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप दिन का कुछ नहीं समझ में आता, दिन में क्या मजा आता आपको बताओ। ये लाइटिंग देखो आप, कितना प्यारा है। अंदर पूरा गांव बना रखा है इन लोगों ने तो। हाँ, ये जादू दिखा रहा है, जादू दिखा दिया ना, जादू से वो लेके आया हो। हाँ दिखा दिया, दिखा दिया।
कुछ नहीं है, बना रखे हैं कपड़े, गांव जैसे नहीं होते क्या? वही है। क्या है और क्या? अरे भैया बड़े गांव में डेली बाहर यार। अच्छा आ जाओ, कुछ ऐसा है नहीं। आप लोगों को दिखा देता हूँ, चूल्हे की रोटी बन रही है और कुछ नहीं है। मामा जी आपका डेली बनती है यार, मामा जी चूल्हे की रोटी तो डेली खाते हैं। और मंदिर है, तुलसी माँ भी है और मंदिर है। हाँ मंदिर जो है वो सबको 5 रुपए के। यहाँ पे गेम ये गेम खेलो मामा जी, खेलो। यहाँ पे कुछ गेम्स हो रहे हैं, गेम्स भी खेल सकते हो आप लोग। और बढ़िया चीज बना रखी है, गेमिंग पॉइंट है, गेम खेलो। मामा जी गेम खेलोगे क्या? दांत तोड़ना है क्या? दांत मेरे वैसे ही निकले दांत अभी। दांत क्या तोड़े मामा जी, दांत वैसे ही निकले। सोनू भैया पीछे रह गए। और गेमिंग पॉइंट है सारा। और तीन बार क्या है? हाँ तो कितने लोग आते हैं? तो आप ये भी तो देखो ना कितने लोग आ रहे हैं। जो बाहर के हैं उनके लिए तो बढ़िया आनंद वाली चीज है, बाहर के लोगों के लिए। सोनू भैया था नहीं, गेम देखने लग गए। सोनू यार कहाँ रुक गए पता नहीं। यहाँ शॉपिंग का है शायद, और ये शॉपिंग का है शायद, आपको दिखा देता हूँ। ये शॉपिंग पॉइंट है, शॉपिंग कर लो। ये पूरा मार्केट ही डेवलप कर रखा है ना तो यार, चौकीढ़ानी में खेतों में पूरा खेत डेवलप कर दिया उन्होंने, पूरे खेत में। हाँ पूरे एंटिक पीसों की चीजें हैं। क्या प्राइस है इसकी? 1400 रुपए, 1400 की। बढ़िया एंटिक पीसों की प्राइस है। पूरा मार्केट डेवलप कर रखा है, शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग कर लो। पीछे देखो आप, पूरा मार्केट है, शॉपिंग भी कर सकते हो, कपड़े भी हैं ये देखो। और ये जूतों की दुकान है। ये पानी से खराब होगी ना, ये भी मतलब कि आप धो नहीं सकते और पानी गिर जाए तो वो उससे खराब होगा। ये प्रिंट हो रहा है, हैंड प्रिंट है, ब्लॉक प्रिंट बोलते हैं इसको, ब्लॉक प्रिंट हो रहा है, फेमस है सांगानेर। कौन बनाया करोड़पति में सवाल पूछा गया था इसके लिए केबीसी में, कहाँ पे विश्व में कहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग फेमस है? सांगानेर कस्बा है यहाँ जयपुर में, यहाँ की फेमस है। देखो जीके का क्वेश्चन भी पूरा हो गया यहाँ पे। भुलैया भूल भुलैया में बना रखा है। मामा जी घूम मत जाना, मामा जी घूम मत जाना। अरे मामा जी घूम जाऊंगा मामा जी, मैं निकालेंगे आपको पाताल से, पाताल से स्वर्ग में जाऊंगा स्वर्ग। ये खो गए, मुझे लग नहीं रहा है भूल गया रास्ता, भूल गए ना रास्ता कहाँ से निकलना, अब ढूंढने में मिल नहीं रहा ना, इधर से खत्म है। अरे ये बंद हो गया घूमने, पुलिस को बुलाओ पुलिस। बंद हो गया क्या ये सच में? भूलने का नहीं मिल रही भाई, जगह नहीं मिल रही, हम घूम गए भूल भुलैया में, घूम गए हम लोग और लेट हो जाएंगे और क्या। अरे अरे आ गए क्या? अरे आ गए क्या? और ये हम पार हो गए भूल भुलैया से, घूम कैसे सकते हैं हम घूम ही नहीं सकते। मामा जी देखो निकल गए ना, सोनू भैया इधर इधर। अरे सोनू भैया तो यही निकलना है अपन को, तो क्या करना है? एग्जिट वो है इसका। तो कोई बात नहीं, यहाँ से एंट्री करी थी यहीं से निकल गए, एग्जिट ये रहा इधर से निकलना था। बच्ची खुश हो रही। ये भाई
चिकनी मिट्टी का कुछ बना रहा है, दीपक वीपक बना रहा है या तो मटका बना रहा है जी। बोटिंग का ही बना रखा है और यहाँ पे बोटिंग का ही बना रखा है और आर्टिफिशियल है बोटिंग। और यार काफी सुंदर जगह है वैसे, देखना देखने तो आना है चौकी ढानी एक बार आप लोग, काफी रात में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे गेमिंग पॉइंट भी है, वहाँ पे नाच हो रहा है, यहाँ पे ऊंट है, बैल भी है, बैलगाड़ी भी है, ऊंट से सफारी भी होती है और ज्यादा कॉस्टली नहीं है। चार्जेस का मेन कि 20-20 रुपए चार्ज है, 20-20 है नहीं नहीं ये ऊंट जी देखो। मतलब यहाँ पे कॉस्ट बहुत कम है, कॉस्ट इतनी है नहीं, 10-20 रुपए में गेम खिलाए जा रहे हैं, 10-20 रुपए में घोड़े की राइड हो रही है और सस्ता है। मतलब आप लोग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो, स्टे कर सकते हो आप लोग। जिया जी अभी पताशी खा रहे हैं, मैं तो खा नहीं रहा, मेरा दांत आपको पता है निकला हुआ है, अब थोड़ा रिकवर हो रहा है तो इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे काफी इंजॉय, मतलब टाइम निकाल के आना, स्टे करो ना, थोड़ा महंगा तो है यहाँ पे बट स्टे करने में मजा आ जाएगा। जो बाहर के लोग हैं बिल्कुल एक बार जब जयपुर आते हैं चौकी ढानी रुकना जरूर। बजाओ भैया बजाओ, तेज बजाना तो कौन बजाएगा, बजाओ भैया तेज। ओ तेरी कहानी फाड़ दे मामा जी, आप मामा जी आप बजाओ बजाओ मामा जी बजाओ तेज। ओ तेरी आओ जिया जी ओ तेरी एक बार और बजाओ भैया ओ तेरी मजा आया चलो बाहर निकलते हैं। ये हो गया हमारा खेल कंप्लीट। मामा जी मजा आया क्या मामा जी? एज तो बताओ कितने साल के हो गए? एज तो आप बताओ कुछ इतना 25 साल के हमारे मामा जी, पर हम 28 के हैं मामा जी हमारे 25 के हैं। पर कैसा लगा भैया? बहुत ही अच्छा, एक बार आना चाहिए वास्तव में। जयपुर वालों को तो आना ही चाहिए और बाहर वालों को भी आना चाहिए। पहले हम ये सोचते थे कि हम जयपुर में रहते, राजस्थान में रहते, क्या दाल बाटी चूरमा में, इसलिए इतने साल का हम इतने साल में 25 साल में कभी नहीं आए, बट अब हमको लगा कि वास्तव में आना चाहिए एक बार, तो देखने लायक है। यहाँ से खाने की एंट्री होती है और ये स्टार्टर है, ये पानी पताशी है और आगे दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या है। यहाँ पे भी टिक्की विक्की या पताशी कुछ है, चाट है, यहाँ पे सूप है और यहाँ पे सैलेड है। सैलेड आप देख सकते हो, यहाँ पे खाने का है सब बढ़िया। और ये मेन कोर्स है, वेजिटेरियन लग रहा है मुझे, और पूरा खाने का डाइनिंग पूरा सिटिंग बना रखा है प्रॉपर और काफ़ी शानदार है। और उधर तक जा रहा है, उधर नॉन वेज है क्या? नॉन वेज इधर, इधर नॉन वेज है सारा। तो ये देख सकते हो, ये मिठाइयाँ विठाइयाँ हैं। बस तो खाऊंगा मैं बढ़िया, क्योंकि बहुत दिनों बाद खाऊंगा और दांत निकला है जब से कुछ खाया भी नहीं, तो आज तो दबा के खाएंगे। ये देखो खाना हो चुका है, पीछे लाइव म्यूजिक चल रहा है, सोनू भैया खा रहे हैं, हम दोनों तो वेजिटेरियन है। खा रहे राजस्थान का फेमस खिचड़ी। खिचड़ी राजस्थान की फेमस है, खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी। और मामा जी खा रहे हैं राजस्थान का फेमस लाल मांस, लाल मांस भी फेमस है राजस्थान में। मटन खा रहे हैं, हाँ मटन लाल मांस एक ही बात है। और दिखाओ इसमें दिख रहा है कितना घी भरा है यार। घी घी कोई नहीं भैया, खिचड़ी कौन खाता है यार? मैं खा रहा हूँ भैया, खिचड़ी खा रहे हैं भैया। वहाँ पे भी गए थे, कहाँ गए थे? लीला पैलेस, वहाँ भी खिचड़ी खाई थी इन्होंने। और ये लाइव म्यूजिक चल रहा है यहाँ पे, रिक्वेस्ट देके आए भैया जिया जी, कोई रिक्वेस्ट देके आए हैं? अर्जियां सारी चेहरे पे लिख के लाया, चेहरे पे लिख के लाया अर्जियां सारी। ये गाना बजेगा समझ में आ गया हो तो भाई को। मामा जी मजा आ गया बर्थडे पे आपके, मोटा मामा जी हमें तो आया तभी तो बोल रहे हैं मजा तो लाए आपको मामा जी, पर यार लगा रहे हो आप, और पैसा खर्च होना चाहिए एक बार और आएंगे जब हम नॉनवेज खाएंगे। मैं तो खाता ही नहीं नॉनवेज, आज तो खा लो
यार आप लोगों के लिए मजा है यहाँ पे वैसे, नॉन वेज वालों के लिए तो आज किसने मना किया है? मैं खाता नहीं हूँ ना। नॉन वेज वालों के लिए असली मजा बारबेक्यू नेशन में सबसे। और लोग कह रहे हैं नहीं खाते हैं उनको, मतलब नेट गई यहाँ पे हड्डियों की भर गई यहाँ तक प्लेट। मैं और सोनू भैया ही नहीं खाते बस, और सब खाते है। देख लो हमारी थाली में देखो, वेजिटेरियन पड़ा है सब। लाइव म्यूजिक चल रहा है, जी आनंद लेते हो लाइव म्यूजिक का। क्या कह रहे हो? ऐसे कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल फरमाइश किया आपने। अच्छा अच्छा, मुश्किल फरमाइश है। माँ को जीव जाना जी, मामा ने क्या ले रहा है? माँ के पास पढ़ पढ़ सोचो, मामा के इतने भतीजे इतने भांजे हैं, लेकिन फिर भी केवल हम यार तीन जने आए। क्यों मामा कंजूस इतना है? लेकिन यार किसी को फिर कह रहा है कि पहली बार आए क्या? पहली बार ही आए। अच्छा अच्छा, स्कैन हो जाएगा मामा जी इसी पे, आप पे करो मामा जी। मामा जी के लिए स्पेशल केक। सर केक नहीं बनता ना आपके यहाँ? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हमारे लिए बनाया गया है ना। मामा जी मान नहीं रहे, तो मामा जी सुन लो, आप के लिए मामा जी के लिए स्पेशली केक बनाया गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू। कैंडल लगा दो सर, टेबल कैंडल लगाओ, कैंडल भी लगा दो। देखो मामा जी ऐसा केक आपको बाहर कहीं फोटो लेंगे, बाहर भी यही साइज होती है। बाहर डांस भी करते हैं वो? हाँ डांस भी कर, अब तो बंद कर दिया उन्होंने। करो मामा जी, ए मामा जी तो मामा जी हम ले लेंगे फोटो। मामा जी सुपर एक्साइटेड। मामा जी आ जाओ आ जाओ। काटो मामा जी काटो। हैप्पी बर्थडे सर। धन्यवाद धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मामा जी। मामा कितने साल के हो गए? मामा 25 साल के। मामा कितने के हो गए? डबल कर लो 50 का। 50 के तो नहीं हो मामा जी आप, कमेंट करना कितने साल के हैं मामा जी। मामा कितना को हो गए एक्चुअली? 45। मामा जी पर लगते नहीं है 45 के। मामा जी को केक खिलाएंगे। लो मामा जी, हो चुके हैं हम फ्री चौकी डानी से, और ये तो आपको सब दिखाई दिया, और सोनू भैया बताएंगे एक्सपीरियंस कैसा रहा। सोनू भैया बताओ, ये फोटो मामा जी की फोटो खत्म नहीं हो रही। अरे मामा जी हो गया, बताओ सोनू भैया कैसा रहा? बहुत ही शानदार है। आने से पहले हमको ऐसे लगता था कि यार दाल बाटी चूरमा, क्योंकि हम जयपुर में रहते तो खाते रहते हैं। राम 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 राम। तो हमको ऐसा लगता था भाई दाल बाटी चूरमा खाने के लिए क्या ही आना, तो अपन ऐसे खाते रहते हैं। लेकिन एक बार तो आना ही चाहिए, क्योंकि केवल खाने की बात नहीं, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, और एक पूरा मतलब ट्रिप की तरह एंजॉय। जैसे आप किसी मॉल के अंदर जाते हो ना, बहुत चीजें होती हैं, वैसा ही है। केवल खाने का सिस्टम नहीं है, अंदर इतनी सारी चीजें हैं, इतनी शॉप्स हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हो, गेम्स हैं, मतलब पूरा फुल अच्छा एक एंजॉय फैमिली टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा है। एक बार आना ही चाहिए। मैं खुद आज तक नहीं आया था ये सोच के, मैं यार दाल बाटी चूरमा क्या अपन घर पे खा लेंगे। खाते रहते हैं हम तो जयपुर में, राजस्थान में रहने वाले सभी खाते हैं, और लोग आते हैं बाहर से बहुत दूर दूर से, तो हमको लगता था इसलिए आते हैं भाई कि दाल बाटी चूरमा उन्होंने कभी खाया नहीं होगा, राजस्थान की फेमस डिश है, हम खाते रहते तो क्या करना है आगे। बट वाकई में एक बार तो विजिट बनती है, बहुत ही अच्छा है। बढ़िया हो गया, इस ब्लॉग को करते हैं एंड।